हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो, हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान। गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 14 सितंबर हर साल हम यह दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। आजादी के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का फैसला किया है, इसलिए हम यह दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के इस अवसर पर हमारे यहाँ एक विशिष्ट अतिथि आ गए हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के हिंदी लेक्चरर, पोयलकाव स्कूल के हिंदी अध्यापक, आकाशवाणी कोड़कोड़ के हिंदी प्रोग्रामर, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आदि स्थानों में अपना नाम रोशन किया है। हमारे इस दिवस के कार्यक्रम उद्घाटन करने के लिए मैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी को आमंत्रित करती हूँ। अल हरमन इंग्लिश स्कूल पुदियंगाड़ी के प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण, अभिभावकों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हमें पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को देश गणराज्य भी बना, हमारा संविधान बना। दोस्तों, हम देखेंगे 14 सितंबर का क्या महत्व है। 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था और इसी दिन देश की दूसरी अन्य 14 भारतीय भाषाएं भी शामिल थी। अब इन भाषाओं की संख्या 22 है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है हिंदी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? हर साल 14 सितंबर के इस पवित्र दिन की याद करते हैं और ये देखते हैं कि हम भारत माँ की भाषा के प्रति अपना कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं, और ये भी देखते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में हमें कितनी सफलता मिली और आगे हम क्या क्या करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हिंदी दिवस मनाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे हिंदी संगोष्ठियां चलाई जाती हैं, हिंदी पकौड़ा मनाए जाते हैं। हिंदी की उन्नति के लिए कदम उठाना हर एक भारतीय का दायित्व होता है। दोस्तों, हिंदी हमारे भारत की भावात्मक एकता की भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कदम उठाना हर एक भारतीय का दायित्व होता है। दोस्तों, हिंदी हमारे भारत की भावात्मक एकता की भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ठीक ही लिखा है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति का मूल। इस भाषा की उन्नति के लिए हम मिलकर प्रयास करें। अंत में मैं आपके उन शिक्षकों को, विशेषकर आपके गुरु अध्यापिका श्रीमती फातिमा जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने हिंदी दिवस के इस अवसर पर हिंदी के बारे में बोलने का मौका दिया। अल अरमन इंग्लिश स्कूल के हिंदी दिवस समारोह का उद्घाटन आप सब लोगों के सहमति के साथ तहे दिल से करना चाहूंगा। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद चंद्रमोहन जी। आइए एक हिंदी गीत का आस्वाद कीजिए।
छोटे से भाषण के लिए मिस बह को आमंत्रित करती हूँ। सम्मानित मुख्य अतिथि, प्रिय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मिस बह हारिश, मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। भले ही हमारा प्रकाशन घर अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है, लेकिन हम हिंदी को बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है। 1949 में 14 सितंबर को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में अनुमोदित किया गया था। हर साल 14 सितंबर को हिंदी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को याद करने और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हिंदी भाषा को सिखाने और प्रोत्साहन करने के लिए कई प्रकार की बड़ी क्लासेस भी लिए जाता है। जी हाँ, यह बात तो सच है कि आज की टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा भी सीखना जरूरी है, परंतु हम अपनी राजभाषा हिंदी को नहीं भूलना चाहिए और अपनी सभी भाषाओं में अपनी राष्ट्रीय भाषा को सर्वप्रथम प्राथमिकता देना चाहिए। हिंदी दिवस हमें यह एहसास दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी दुनिया से सबसे पुरानी और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है और इस तरह हम अपनी राष्ट्रीय भाषा बोलने में गर्व चाहिए। धन्यवाद। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसके महत्व दिखाने वाली एक नृत्य देखिए। की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा बहने हैं, भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं, मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं, पढ़े वही जो दिखे सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो दिखे सुने वही जो लिखे, ये विशेषता हिंदी ने पाई देखिए। आ गई, भूख लगी है, मौन व्रत है, अच्छा बताओ आज इम्तिहान के रिजल्ट आने वाले थे ना? बैग में। मैथ्स में 45 और 50, हिंदी में 48। अरे वाह, हमारी बेटी तो काफी होशियार है। अरे ये क्या है? इंग्लिश की टेस्ट शीट। लेकिन कल क्यों हुए? सिनेमा का सपना लिखना था अंग्रेजी में। तो क्या तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ते हो? इका क्यों नहीं? मुझे अंग्रेजी सपने नहीं आते हैं, मेरे सपने में सिर्फ तो होती हो, अप्पा होते हैं, जलेबी के पेड़ होते हैं, नदी की नदियाँ होते हैं, पूरी के झूले होते हैं, झीलों के पहाड़ होते हैं, चीनर पर्या में होती है, कभी कभी नाना नानी आते हैं। अब तुम्हें बताओ इसमें कौन बात करते अंग्रेजी में? अम्मी, सब तो अंग्रेजी में सीखे, अब अपने सपनों को तो
अपनी सुबान में रहने दो ना। मातृभाषा नींव होती है, नींव मजबूत होगी तो मुश्किल से मुश्किल सबक भी आसान हो जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों को मेरी तरफ से और अल हरमीन इंग्लिश स्कूल की तरफ से मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ।